हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज जानेंगे हम लोग रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले लेट्स नो अबाउट टाइप ऑफ नंबर। नेचुरल नंबर जो कि एन से डिनोट किया जाता है, होल नंबर डब्लू, इंटीजर विथ जेड, रैशनल नंबर क्यू एंड रियल नंबर विथ आर। नेचुरल नंबर सारे काउंटिंग नंबर 1 से इन्फिनिटी तक को नेचुरल नंबर कहते हैं। होल नंबर सारे काउंटिंग नंबर विथ जीरो होल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच आने वाले सारे नॉन डेसिमल नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं, जैसे कि 3, 4, 9, 0, -5, -8 एक्सेट्रा। रैशनल नंबर रैशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जो कि p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। रियल नंबर सारे पॉजिटिव, नेगेटिव, लार्ज, स्मॉल, होल नंबर, डेसिमल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। पहला इंटीजर। पहले तो हम एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक्स वाई लाइन ये इंडिकेट करता है कि ये एक एंडलेस लाइन है। अब जीरो के हेल्प से इस लाइन को बीचों बीच दो भाग में डिवाइड कर देंगे और लेफ्ट साइड -1, -2, -3 ... -∞ और राइट साइड में 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी से इंडिकेट करेंगे। यह एक्स वाई लाइन एक नंबर लाइन कहलाता है। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नेगेटिव नंबर्स, और जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पॉजिटिव ग्रेटर नंबर आते जाते हैं। सेकंड, रैशनल नंबर। इसको नंबर लाइन पे शो करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये नंबर जो हम लिख रहे हैं वो सिंपल फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं तो उसको सिंपल फॉर्म में करेंगे, उसके बाद नंबर लाइन पे शो करेंगे। लेट्स टेक सम एग्जांपल, जैसे कि 18/12, 13/26, 3/4 और 17/36। जैसे कि हम लोग को पता है 6 के टेबल में 18 और 12 दोनों ही आते हैं, तो इसको 6 से काट देंगे। 18 एंड 6 2 12। 13 को भी पता है कि 13 1 बार में और 26 2 बार में, और 3/4 जो कि एक सिंपल फॉर्म में है, और 17/36 भी एक सिंपल फॉर्म में। लेट्स शो 3/4 ऑन नंबर लाइन। इसके लिए भी सबसे पहले हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे कि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में अगर ग्रेटेस्ट नंबर है तो ये नंबर लाइन में 0 और 1 के बीच में ही लाइक करेगा। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें 0 और 1 की ज़रूरत है तो उतना ही ड्रॉ करेंगे। ज़ीरो, और फिर डिनोमिनेटर में जितना नंबर लिखा रहता है उतने ही पार्ट में हम 0 और 1 को बीच में डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारा डिनोमिनेटर 4 है तो इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे। वन बाय फोर, टू बाय फोर, थ्री बाय फोर, फोर बाय फोर, जो कि 1 के इक्वल भी होता है। इसके बाद जहाँ पे 3/4
लिखा होता है, यही हमारा आंसर है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 9/7। अब डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर है तो हम 9 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे जो कि 1/2 होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा पॉइंट 1 और 2 के बीच लाई होगा, इसीलिए यही पार्ट हम लोग नंबर लाइन में लेंगे। अब जैसे पहले किए थे उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, जितना डिनोमिनेटर में लिखा होता है उतना ही पार्ट में हम इस नंबर लाइन को डिवाइड कर देंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, जो कि 2 होता है, हो जाएगा। अब जहाँ पे 2/7 है वही हमारा आंसर 1/2 और 9/7 होगा। चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे फाइंड एंड रैशनल नंबर और इंसर्ट एंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, जैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातों पे ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि एक्स एंड वाई बी एनी 2 रैशनल नंबर एंड एक्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन वाई। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहला इंसर्ट 1 रैशनल नंबर, बिटवीन एक्स एंड वाई एंड केस नंबर 2 इंसर्ट 1 रैशनल नंबर, बिटवीन एक्स एंड वाई। चलिए डीपली में इन दोनों पे डिस्कस करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। केस 1, इफ एक्स एंड वाई बी एनी 2 रैशनल नंबर एंड एक्स इज स्मॉलर देन वाई, देन हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज द नंबर दैट कम्स बिटवीन एक्स एंड वाई, that is x is smaller than half of x plus y is smaller than y, and case 2 jisme find and isme tha find one number, one rational number, that is the number, and case 2 mein find n rational number, here the x and y be the same and x is smaller than y. For finding n rational number, first let d equal to y minus x by n plus 1, यहाँ y equal to second number and x equal to first number and n
द नंबर दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. आफ्टर दैट फॉर गेटिंग द नंबर वी हैव टू डू दिस एक्स प्लस डी. डी इज सेकेंड नंबर एक्स प्लस टू डी. फॉर थर्ड नंबर एक्स प्लस थ्री डी एंड सो ऑन. फॉर एक्स प्लस एंड डी. चलिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं. हेयर आर सम क्वेश्चंस. फाइंड वन रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2. एंड क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. चलिए क्वेश्चन नंबर वन से सॉल्व करते हैं. जैसे कि हम लोग को एक रैशनल नंबर निकालना है 1/3 और 1/2. तो लेट एक्स इक्वल टू 1/3 एंड वाई इक्वल टू 1/2. ठीक है, अब हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज द नंबर दैट कम्स बिटवीन एक्स एंड वाई. देन इक्वल टू हाफ 1/3 प्लस 1/2, दैट इज हाफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6. Here 2 plus 3 equal to 1/2 into 5/6. Now we multiply 2 and 6. The answer is 5/12. Now come to question number 2. Find 6 rational number between 3 and 4. Question number 2. Again we let x equal to 3 and y equal to 4. From the formula d equal to y minus x divided by n plus 1. Here n is 6 because we want 6 rational number between 3 and 4. Now we apply the formula. 4 minus 3 divided by 6 plus 1, that is 1/7. After that, the formula is x plus d, that is x equal to 3, d equal to x plus d equal to 1/7, or you can also write 3 1/7, that is equal to 3 7 is 21 plus 1 22/7. X plus 2d equal to 3 plus 2/7, that is 23/7. X plus 3d equal to 3 plus 3/7. Here 1, 2 comes and 3 comes from where 3 multiplied by d comes 2 multiplied by d equal to 2. 1 multiplied by d equal to 24/7. And x plus 4d equal to 4 plus 1. Oh, sorry. 3 plus 4/7, that is equal to 25/7. And x plus
5t इक्वल टू 3 प्लस 5/7 इक्वल टू 26/7 एंड लास्ट x प्लस 6d दैट इज 3 प्लस 6/7 दैट इज 27/7 here is our answer. Now we write together. Three 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 and last 4. Okay, here is the answer. जल्दी ही इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, जिसमें हम लोग टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.